हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हूँ और इंटरचेंज 2 पे यहाँ काम चल रहा है, रैम प्लाजा बन रहा है। इस वीडियो में आइए देखते हैं माइनर ब्रिज MNB का स्लैब के पहले क्या क्या चेक पॉइंट होते हैं, उसको कंक्रीट करने से पहले क्या क्या पॉइंट का ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं साइड पे कैसे इसका स्टील रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है। MNB माइनर ब्रिज का स्लैब, टॉप स्लैब का रेनफोर्समेंट का काम रेडी हो रहा है कंक्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये सामने देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को MNV का। इसका लेंथ है 22 मीटर और चौड़ाई है इसकी 5 मीटर 600 इंक्लूडिंग वाल लेंथ। वाल थिकनेस 300 mm बोथ साइड में है और स्लैब की इनर टू इनर डिस्टेंस 5 मीटर और इसका जो टॉप स्लैब का थिकनेस है 300 mm का, 1 फीट का जो है टॉप स्लैब है और इसमें कवर 40 mm का यूज हुआ है और जो वाल में कवर है आउटर फेस में जिधर से अर्थ प्रेशर है उधर में 75 mm का कवर है और आउटर फेस में 75 mm का कवर और इनर साइड में 50 mm को कवर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जो है 2 लेयर में इसका स्लैब का स्टील रेनफोर्समेंट बांधा गया है और मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ माइनर ब्रिज पे, आप मेरी लास्ट वीडियो को देख लेना, उसमें डिटेल में मैं समझाया था कि इसका स्टील रेनफोर्समेंट कैसे बांधते हैं। अगर आप लोग उसको देखे नहीं हो वीडियो को तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसका स्टील रेनफोर्समेंट कैसे बांधते हैं। देखिए 2 लेयर में नीचे दिख रहा है, यहाँ पे टॉप और बॉटम 2 लेयर में इसका स्टील रेनफोर्समेंट है। बॉटम का जो शॉर्ट स्पान जो चौड़ाई है, बॉटम का मेन बार है शॉर्ट स्पान में 16 mm का 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसकी और अल्टरनेट में एक बार है 12 mm का, उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 200 mm है और इसमें जो बाइंडर यूज हुआ है 10 mm का टॉप और बॉटम में 200 सेंटर टू सेंटर उसकी डिस्टेंस है। देखिए बाइंडर यहाँ पे दिख रहा है, ये बाइंडर जो है देखिए ये बॉटम का बाइंडर है और ये टॉप का बाइंडर है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे ये जो मेन बार है ये और आगे में 16 mm का दोनों के ऊपर से बाइंडर बांधा गया है और जो टॉप का बार है मेन बार देख रहे हैं ये टॉप का, ये दोनों बार जो टॉप का है इसके नीचे से जो है बाइंडर बांधा गया है, यानी बाइंडर जो है नीचे से लॉन्गिट्यूडनल में नीचे से बांधा गया है और मेन बार टॉप और बॉटम में दोनों जो है ऊपर और नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सीयर लिंक देखिए, सीयर लिंक प्रोवाइड किया गया है और जो ये बार है आपको सामने दिख रहा है ये 16 mm का L है और इसके साथ अल्टरनेट जो है 12 mm का मेन बार है टॉप में, इसकी भी डिस्टेंस 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और आपस में इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 100 mm का डिस्टेंस मिलेगा और इसमें एडिशनल में कॉर्नर में हांच बार है। यहाँ देखिए हांच बार दिया 12 mm का 200 सेंटर टू सेंटर और एक जो है इसको हंच बार का बाइंडर है कार्नर में प्रोवाइड किया गया और फ्रेंड्स इसमें चेयर 12 mm की चेयर दी गई है। देखिए यहाँ पे 300 का L है चेयर के दोनों साइड में, देखिए L दिया गया है, 1 मीटर इसकी डिस्टेंस है एक चेयर से दूसरे चेयर की, एक चेयर और दूसरे चेयर के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए शटरिंग को सीधा और साहुल में किया गया है और इसको सपोर्ट भी अच्छी तरह से बांधा गया है। क्लाइंट के इंजीनियर से हम लोग स्लैब की थिकनेस क्लियर कर रहे हैं, जो भी पॉइंट है क्लाइंट इंजीनियर से आज पर BBS उसको क्लियर करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद कंक्रीट स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए कटिंग लेंथ देख रहे हैं एज पर BBS। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए शटरिंग को सीधा, दोनों तरफ की शटरिंग जो है सीधा और सपोर्ट उसमें अच्छे तरह से फिक्स किया गया है। कंक्रीट के समय कोई भी
शटरिंग लूज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए एक बार से दूसरे बार की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग सीधी है, जिगजैग नहीं होना चाहिए। यहाँ 40 mm का कवर स्लैब के बॉटम में दिया गया है। चेयर भी यहाँ देख रहे हैं सामने में, आपको चेयर प्रोवाइड किया गया है। ये सब आपको जब आप स्लैब का स्टील रेनफोर्समेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये सब समझना चाहिए, आना चाहिए। इसमें जो भी काम करना है पहले तो आपको ड्राइंग अच्छी से रीड करना आना चाहिए, और उसमें कौन सा बार, कौन से डाया का बार यूज हुआ है वो आपको समझना चाहिए, तभी जा करके आप जो है साइट पे काम करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।